Hello Vacho, hope you are doing great. Again, so today what we have, past perfect tense, जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं. Past perfect tense, basically this is a part of past, where which we have been already read about, indefinite and continuous of past. Now we will be talking about इस भूतकाल के perfect tense के बारे में हम पढ़ेंगे. पता है ना, भूतकाल, basically हम इसको भूत बोलते हैं, right? So पहले तो हम लोग, एज वी ऑलरेडी रेड अबाउट वॉट प्रेजेंट के बारे में हमने पहले से पढ़ा हुआ है, तो प्रेजेंट में हमने देखा था कि प्रेजेंट का भी परफेक्ट टेंस था, ठीक है. सिमिलरली फ्यूचर का भी होगा. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने ये देखा था कि इसकी आइडेंटिटी क्या है. आइडेंटिटी उसमें था, हम बेसिकली बोलते थे चुका है, चुकी है, चुके हैं, एक्सेट्रा, राइट. तो सिमिलरली इसकी आइडेंटिटी के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ पास्ट के बारे में, क्योंकि बात हो रही है. तो यहाँ पर जो होगा हमारा, चुका था, चुकी थे, चुकी थी, सॉरी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, एक्सेट्रा. देखो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, बट उसको मैं कंप्लीटली दूर कर दूंगा. अगर तुम्हारा पास्ट में कोई भी काम ऐसा है जो अभी रिसेंटली पास्ट में हुआ है और आपने किया है या किसी के द्वारा किया गया है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम इनडेफिनिट की जो रूल्स है और स्ट्रक्चर्स है, वी यूज दैम. नाउ अगर मैं बात करूं आपसे, जो मैंने सुबह कुछ काम किया था, मैं कल के बारे में कुछ बता रहा हूं या काफ़ी लेट के बारे में मैं बता रहा हूं, तो वहां पे मैं जनरली था यूज़ करता हूं. दोनों में देखो डिफरेंस क्या होगा. मैं वहाँ गया था, दो सिर्फ मैंने था इसमें ऐड किया. आई कैन प्रिपेयर दिस सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ आई वेंट देयर, विच इज़ अ पास्ट इनडेफिनिट की तरह मैंने बनाया. इसी को मैं दूसरे तरीके से, मैं वहाँ गया था या मैं वहाँ जा चुका था, इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ. सो आई हैड गोन देयर, तो मैंने यहाँ पे हैड यूज़ किया. और ये इसको किसके तरीके से बनाया, पास्ट परफेक्ट के तरीके से बनाया. तो आइडेंटिटी इस तरीके की होगी हमारी. सो होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग्स. नाउ हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम लोग बच्चे यूज़ करेंगे हैड. हम लोग इसमें हैड यूज़ करेंगे. हैड हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब होगा यहाँ पे, जिसको हम यूज़ करने जाएंगे इस वाले सेंटेंसेस में. प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको अगर याद आ रहा होगा तो वहाँ पे हम हैज हैव यूज़ करते थे, यहाँ पे हैड यूज़ करेंगे. फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म. कैसी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. तो थर्ड फॉर्म वी आर सपोज टू गो यूज़, ठीक है. तो ये हमारा टारगेट होने वाला है इसको लेकर के, कि हम लोग थर्ड फॉर्म ही इसमें इस्तेमाल करने वाले होंगे, क्योंकि चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, फ्यूचर का परफेक्ट भी आएगा ना, तो हम उसमें थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे. स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं. अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट ही आता है बेसिकली. उसके बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब, एज आई टोल्ड यू, हैड हमने लगाना है. उसके बाद में अगर मेरे को क्या लगाना है, वर्ब जो होगी उसकी क्या फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट. ये मेरा सिंपल सा क्या है, इसका सब्जेक्ट है, हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आपको पता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तीनों चीज़ें होती हैं. वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड एज हेल्पिंग वर्ब वी आर यूजिंग, ऑब्जेक्ट जो भी एक्सेट्रा कुछ वर्ड एडिशनल ऑब्जेक्ट अगर कुछ है हमारा, दैट वी विल बी यूजिंग देयर. नेगेटिव में अगर इसी चीज़ को बात करूँगा तो इसमें कुछ नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हेड होगा, और हेड के साथ में नोट भी हम यूज़ करेंगे, प्लस सेम रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर भी बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है बच्चे. ये जो अब हमने यूज़ किया है इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हैड और हैड नॉट का डिफरेंस आएगा. एज वी नो कि हाँ, नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं और नकारात्मक में हम नोट का इस्तेमाल करते हैं नहीं वाले सेंटेंसेस के लिए, ठीक है. इंट्रोगेटिव की मैं बात करूँ तो आपको एक तो कैटेगरीज की पता होगी. बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी है ऐसे सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं. जैसे अगर यहाँ पर कोई सेंटेंस आपको दिख रहा है, क्या उस लड़की ने तुम्हें किताब दी, अब तुम खुद सोचो क्या इसमें शुरू आ गया, तो इसका आंसर आप येस नो में दे सकते हो. तो येस और नो, तो इट मीन्स येस नो टाइप भी इनको बोलते हैं. तो इनमें कुछ नहीं होता, इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हैड पहले आ जाएगा, सिर्फ हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस एक्सेट्रा अगर कुछ है तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, प्लस ETC मतलब एक्सेट्रा बेसिकली, प्लस क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क इसमें लास्ट में लगा देते हैं, क्योंकि ये प्रश्नवाचक सेंटेंसेस होते हैं. इसी के लिए अगर मैं सेकंड टाइप, जैसे ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, सॉरी क्वेश्चन वर्ड बेसिकली हम शुरू में लिखेंगे इंग्लिश में, और जिनमें सेंटेंसेस के बीच में आ जाता है हिंदी में. अगर मैं बात करूँ, आप वहाँ कब जा चुके थे, आपने खाना कब खा लिया था, आप अमेरिका कब पहुँच चुके थे, ये पेन आपको किसने दिया था, राइट, क्लियर है.
आपको यहां पढ़ने का अधिकार किसने दिया था? इस तरीके से बोलो, टॉपर कॉप्स के टीचर्स ने। सिंपल। नाउ हेड से पहले हम लोग क्या लिख देंगे वहां पे, बस क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, उसके बाद में हेड और उसके प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी बच्चों, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्सेट्रा अगर है, और क्वेश्चन मार्क। ये वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, ये दोनों के दोनों। मैंने आपको आई हैव बीन एक्सप्लेन अबाउट ऑल दीज थ्री थिंग्स। नाउ आइडेंटिटी वी हैव बीन गॉट टू नो, वी गेट टू नो कि हाँ भाई हैड यूज होगा इसमें, हैज हैव यूज नहीं होता है, ठीक है उसमें, क्योंकि ये पास्ट का है, थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये तो कॉमन सा रूल है कि परफेक्ट किसी का भी होगा, आइदर पास्ट का या फिर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का, तो उसमें हम लोगों को क्या यूज करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हाँ फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड यूज करेंगे हम, और ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस विल बी द स्ट्रक्चर इन द सेम वे मैनर्स। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव विल बी हैविंग नेगेटिव नोट एंड विल बी हैविंग इन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स की, जो भी या तो पहले आ जाएगा, तो विल बी जस्ट चेंजिंग दिस हैड फ्रॉम द हेयर टू हेयर, हम इनिशियली शिफ्ट कर लेंगे उसको, और क्वेश्चन वर्ड उसमें पहले आ जाएगा, जो सेकंड टाइप की कैटेगरी के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। अभी आपके सामने दिख रहा है कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तुमने सुबह खाना खा लिया था। बच्चों अब इसको देखो, अगर मैं तुमको इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूँ, तुमने सुबह खाना खा लिया, ठीक है, तो मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह भी बना सकता हूँ, और इसको मैं अगर मैं सोचूं कि काफ़ी पास्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो देन वी कैन जस्ट इवन थिंक अबाउट दिस इज अ परफेक्ट टेंस वेयर द टास्क इज ऑलरेडी ओवर, जहाँ पे काम पास्ट में ही खत्म हो चुका है, ठीक है। तुमने सुबह खाना खा लिया था, तो अभी इसको तुमने को बोलते हैं हम इंग्लिश में यू, राइट। अब इसके बाद में हमें पता है हैड लगाते हैं, अब हमने ये भी पता है कि वर्ब है, तो वर्ब क्या है इसमें, उसकी थर्ड फॉर्म, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर वीडियो नहीं देखी है तो एक बार फिर देख लो, उसमें मैंने वर्ब के बारे में बताया हुआ है। वर्ब हमारी इसमें कहाँ पे है, खाना खाना, तो यानी क्या किया उसने, ये खाना खाना, एक तो होता है यहाँ पे फूड, एक होता है खा लेना, ठीक है, तो बोथ आर द डिफरेंट, तो यू हैड ईट, अब मैंने ईट लिखा है तो ईट इज द फर्स्ट फॉर्म, सो नाउ यू नीड टू ऑटोमेटिकली नो कि हाँ हमने पहले वर्ब्स बहुत अच्छे से याद करी हुई हैं। अगर मैं ईट की थर्ड फॉर्म की बात करूंगा तो ईट एट ईटन होती है, तो थर्ड फॉर्म इज ईटन, आई विल बी यूजिंग। तो अब गाइस हमने हैड के बारे में पढ़ लिया, सब्जेक्ट ऑलरेडी वी नो अबाउट इट, यू हैड ईटन दी क्या, खाना या भोजन, फूड, यू हैड ईटन दी फूड, बच्चों ये लिख दिया मैंने द फूड। अब यहाँ पे तुमने, मैं देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने एक्सेट्रा बाद में बोलता हूँ, मैं कब की बात कर रहे हैं, सुबह, तुमने सुबह खाना खा लिया था, तो कब की बात हो रही है, सुबह, तो ये एडिशनल ऑब्जेक्ट है, इन दी मॉर्निंग, क्लियर बच्चों, तो यू हैड ईटन द फूड इन द मॉर्निंग, ठीक है, इट मीन्स इज दैट कि तुमने सुबह खाना खा लिया था। अब मैंने आपको इसमें भी ये भी बता दिया, यू यहाँ पे प्रोनाउन है बेसिकली, यू हैड यहाँ पे वर्ब है, विच इज हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंसेस, दिस इज द मेन वर्ब, द फूड बेसिकली, फूड पता है ना आपको, सब्जेक्ट की तरह हम किसी चीज का नाम ले रहे हैं, फूड, फूड बेसिकली, ये तो आर्टिकल है, ये तो पता ही है, इन द मॉर्निंग, इन इज अ प्रपोजिशन, दिस इज अगेन एन आर्टिकल, मॉर्निंग सुबह के बारे में, मॉर्निंग किसी समय का नाम दे रखा है हमने, मॉर्निंग, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली नाउन, राइट। नाउ मैं वहां देरी से पहुंच चुका था, मैं वहां देरी से पहुंच चुका था, आई के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो एक बात और है, यहाँ पे मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब दूसरी तो बोली नहीं है, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा बच्चों रूल होगा, विद ऑल द सब्जेक्ट्स, कोई सा भी सब्जेक्ट हो बच्चों, तो उसके साथ हैड ही लगेगा, बस ये सोच लो, तो अब आंख मीच करके आई है तो आई के साथ भी हैड ही लगा दो, ठीक है। अब आई हैड पहुंच चुका था, रीच बोलेंगे, रीच मीन्स पहुंचना होता है, तो इसका इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी क्या लगाएंगे बच्चों हम, रीच्ड, राइट, आई हैड रीच्ड देयर, लेट बोलेंगे सीधा, आई हैड रीच देयर लेट, या आई हैड रीच्ड लेट देयर, यू कैन शिफ्ट दिस वन हेयर एज वेल और हेयर एज वेल, अब वो तुम्हारी इंग्लिश के ऊपर डिपेंड पड़ता है, हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग, देखो प्रोनाउंसिएशन वेल कैसे, अभी देखो आई हैड रीच्ड देयर लेट, अगर ऐसे बोलते हो आप तो इसका मतलब है मैं वहां देरी से पहुंच चुका था, अगर मैं बहुत देरी बोलूंगा तो वेरी लेट बोलूंगा, आई हैड रीच्ड देयर वेरी लेट, ओके, सो यू कैन लाइक यू कैन ऑल्सो रिकॉल द सेम सेंटेंस, आई हैड रीच्ड लेट देयर, ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट, नथिंग इज रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, वी कैन स्पीक लाइक द सेम वे, either late will be before there and or there will be before late, no problem. अस्पताल कल बंद नहीं हुआ था, क्या बंद नहीं हुआ था, अस्पताल, the hospital
द हॉस्पिटल, देखो हैड नॉट, वी आर यूजिंग नॉट हेयर इन टर्म्स ऑफ सी अलॉन्ग विद हेल्पिंग वर्ड वी आर यूजिंग नॉट बिकॉज हमारे यहाँ पे नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंसेस है, नहीं के बारे में बात करें. The hospital had not, बंद होने को बोलते हैं क्लोज, तो इसकी थर्ड फॉर्म closed बेटा क्या होगी, closed कब, yesterday. The hospital had not closed yesterday. So this will be the simple concept. जैसे हमने यहाँ पे यूज किया सब्जेक्ट पहले, फिर हैड नॉट सीधा लगा दिया हमने, सब्जेक्ट द हॉस्पिटल है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, प्लस ऑब्जेक्ट विच इज यस्टरडे, कल बंद नहीं हुआ था. क्लियर है, होप यू आर गुड विद दिस. बच्चे क्या उस लड़की ने तुम्हें किताबें दी थी, देखो क्या इसमें शुरू में आ गया और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ है, तो यहाँ पे सीधा सा पहले लिख देंगे हैड. ओके उस लड़की ने, हैड दैट गर्ल, दैट गर्ल गिवन बेटे, क्यों चाहे कोई सा भी सेंटेंस होगा उसका हमारा स्ट्रक्चर थर्ड फॉर्म बोलता है, तो गिव मींस देना, गेव मींस दिया या यहां पे होती है और गिवन मींस दिया था, राइट थर्ड फॉर्म. हैड दैट गर्ल गिवन यू, या फिर यहां पे देखो फिर एक कंफ्यूजन मत कर, क्लियर करना, गिवन दी बुक्स बोलोगे यहां पे, और यू को भी पहले लिख सकते हो और बुक्स को भी, वो मैं फिर बोल रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश में, बोथ विल बी करेक्ट इन द टर्म्स ऑफ स्पीकिंग. हैड दैट गर्ल गिवन द बुक्स टू यू, ठीक है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क. अब देखो क्या के लिए मैंने हैड तो पहले लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट गर्ल मीन्स उस लड़की, राइट, गिवन मीन्स दे दिया था, ठीक है, द बुक्स किताबें तुम्हें, टू यू, क्लियर है बच्चों. तो यू शुड नॉट बी कि हाँ मैं कहीं पे कुछ गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, नो यू शुड बी अबाउट, देखो प्रपोजिशंस के बारे में कौन सी कहाँ पे कैसे यूज होती है, विल बी हैविंग अ सेपरेट लेक्चर फॉर दैट, बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो जो चीज स्ट्रक्चर में दी हुई है, रूल्स हमें पता है, सेम वो उनकी स्पेलिंग सीधा सीधा रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे. हम लोग वहाँ कब गए थे, हम लोग वहाँ कब गए थे, देखो हम लोगों को बोलते हैं, देखो पहले तो ये देख लो यहाँ पे कब है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग आती है शुरू में, व्हेन, राइट, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमने पहले लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद में आती है हैड, और अब हम लोग का सब्जेक्ट है तो क्या रुके, व्हेन हैड वी पीपल, वी पीपल, राइट, ऐसे बोलोगे वी पीपल, उसके बाद गए, जाने को बोलते हैं इंग्लिश में बेटे गो, और थर्ड फॉर्म उसकी होती है कौन, कहाँ पे, देयर, टी एच ई आर ई, ठीक है. When had we people gone there? We people means हम लोग, right? यहाँ पे आर मत बोल देना, हमारे लोग हो जाएगा वो, right? तो we people means हम लोग basically. तो वहाँ कब गए थे? तो we have been created all these kind of things. इसके ऊपर एक new video हम separately बनाएंगे and that video will be in terms of combination of two sentences, जिसमें एक past perfect का tense होगा और दूसरा tense होगा indefinite का. जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, मेरे अस्पताल पहुंचने से पहले डॉक्टर साहब वहां से जा चुके होंगे या जा चुके थे, सॉरी, ठीक है, तो आपके आने से पहले मैं पढ़ा चुका था, आपके वहां जाने से पहले लाइट जा चुकी थी, तो इस तरीके के सेंटेंसेस के बारे में हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे ताकि वो आपको डिटेल में समझ में आ सके. तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टाइप ऑफ कैटेगरीज विच विल बी प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट एंड सेकेंड विल बी पास्ट परफेक्ट. So for this, which we have been explained, past perfect tense, hope it is very clear to you guys. If you have any questions in your mind, please drop in the comments box. We'll be try to answer each and every questions, whatever you put there. लोग बात करने वाले हैं past perfect continuous tense की, तो past perfect continuous tense past का basically हिस्सा है, और इस perfect continuous tense को हम किस किस का हिस्सा बोल सकते हैं, present tense का, past tense का और future tense का. Similarly, today we are going to discuss about past परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो मतलब पास्ट में शुरू होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ में और पास्ट में इनका खत्म और खात्मा हो जाता है, ठीक है. तो ऐसे सेंटेंसेस जैसे मैं सुबह से काम कर रहा था, मैं दो दिन से अमेरिका जा रहा था, मैं अपने घर पर परसों सुबह से पढ़ाई कर रहा था, तीन वर्षों से मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तीन या चार दिन से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था,
तो इस तरीके के कुछ एक पर्टिकुलर टाइम स्पेसिफिक टाइम से किसी ने बताया और तब से वो चालू हुआ काम करना, और वो काम एक समय तक चला और फिर ख़त्म हो गया था। मतलब इस तरीके के एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यानी कि ए और बी पॉइंट क्या है, ये टाइम है, इनके बीच में कुछ काम हुआ और जो कि पास्ट में ही हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसमें बारे में बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। तो ऐसे ही सेंटेंस सिंपल कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या है पढ़ाया आपने, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट के बारे में बात करें ना, तो अगर प्रेजेंट में बोलेंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं बोलेंगे। तो इसीलिए पास्ट में हम लोग था लगाते हैं लास्ट में, तो रहा था, रही थी, रहे थे, जो सेंटेंसेस एंड्स विद, राइट। सिमिलरली अगर इसमें एक चीज दे दी जाती है क्या, टाइम, तो ये भाई कंटिन्यूअस नहीं रहता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा, फिर ये बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसा टेंस जो काम जिसका खत्म हो गया हो वो तो परफेक्ट है ना पास्ट में, लेकिन किसी टाइम के साथ में चला और कुछ समय तक चला और जब खत्म हो गया, ये सब बताया हुआ हो किसमें, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। अभी मैं बात करता हूँ तुम्हारे सामने किसकी, बेसिकली आइडेंटिटी की। तो ऐसे सेंटेंसेस जो रहा था, रही थी, रहे थे, देखो ये आइडेंटिटी होने वाली है बच्चों, ये होगी आइडेंटिटी विद टाइम, ठीक है, टाइम के साथ में, कल से, परसों से, दो दिन से, तीन बजे से, छह वर्षों से, दस सालों से, बीस वर्ष से, सौ सालों से, तीन सप्तों से, दो महीने से, लंबे समय से, होप यू हैव बीन अंडरस्टूड, राइट, ऐसी वाली बात होगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें सेम हैड हम लगाते थे किसमें, परफेक्ट में, बस इसमें हम लगा देंगे हैड बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। सबसे अच्छी बात है कुछ भी सब्जेक्ट हो हम लगाएंगे सिर्फ हैड बीन, इट मीन्स विद ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, रीना हो, सीता हो, राहुल हो, दीपक हो, कोई भी हो, विल बी यूजिंग हैड बीन, क्लियर। फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी फॉर्म, गो, गोइंग, वे, दे, अगर मैंने बोला लाइक दे और वे नहीं, अगर लेट्स से मैं बात करता हूं आपसे, पहुंचना, रीच, रीचिंग, बातें करना, टॉक, टॉकिंग, तो सब में ing लगता है लास्ट में, ing फॉर्म जिसकी बात मैं आपको कर रहा हूं, तो उसके साथ में हम लोग इस सेंटेंसेस में क्या यूज करने वाले हैं, जैसे कॉन्टिन्यूअस में करते थे या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते थे, सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम ing फॉर्म का यूज करेंगे। अभी हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर की। पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन वी शुड यूज हैड बीन, नो प्रॉब्लम, यू आर मच अवेयर, प्लस वर्ब की ing फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फॉर और सिंस, प्लस टाइम, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट हैड बीन, वी आई एन जी, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, टाइम। ये फॉर और सिंस के लिए अगर आपको देखना है तो एक पीछे वाली वीडियो जाके देख लो हमारी, जिसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फॉर और सिंस कहां लगेगा, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वीडियो होगी, उसको आप एक बार इसी प्लेलिस्ट में जाके वापस देख सकते हो, ठीक है। क्लियरली मेंशन किया हुआ है मैंने मेनी टाइम्स, राइट। नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेम फॉर एंड सिंस, सॉरी फॉर और सिंस प्लस टाइम, आइदर फॉर और सिंस एक ही लगेगा, ध्यान रख लेना, डिपेंड्स ऑन द टाइम, व्हिच टाइप ऑफ टाइम इज गिवन, राइट। इंटरोगेटिव अगर इसमें फर्स्ट कैटेगरी है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हैड पहले लगेगा प्लस सब्जेक्ट लगेगा प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म, सॉरी बीन प्लस सब्जेक्ट विद, दिस इज हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन फॉर और सिंस देन टाइम, क्लियर बच्चों। नाउ नेक्स्ट टाइम इज सेकेंड टाइप, जिसमें सेंटेंसेस में कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, किस लिए आता है, इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं, जो बीच में आते हैं, जो पूछते हैं, एब्रिविएशन मांगते हैं, एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स लगा करके सेंटेंसेस में, ये तो सिर्फ येस नो टाइप के होते हैं, और ये हमारे होंगे मैं सुबह 5 बजे से उसके बिना क्यों रह रहा था, ओ माय गॉड, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड सिर्फ पहले आ जाएगा और प्लस हैड आएगा फिर बाद में, सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस फोर और सिंस प्लस टाइम, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी देखो ये स्ट्रक्चर तुमको सभी में सेम नजर आ रहा होगा, कुछ भी जैसे हम अब तक बनाते हुए आए हैं उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, बस सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और मेन वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, बस इसमें सिर्फ चेंज क्या आया है मेन सेंस और फोर का, और सेंस और फोर आप लोग क्लियर पता है आपको कि सेंस और फोर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके नाउ सेंस बेसिकली हम लोग करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, जो कि टाइम दिया हुआ है कि हाँ भाई तभी से काम चालू हुआ है। फोर जब हमें श्योरिटी नहीं होती उस टाइम के बारे में, राइट। जैसे मान के चलो टाइम की कोई भी यूनिट हो और उससे पहले कोई डिजिट दे रखी हो या कोई नंबर दे रखा हो तो उसमें आप हमेशा फोर लगाएंगे, जैसे 2 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 4 घंटे, 5 मिनट, 5 हफ्ते, 5 दिन, 5 महीने, 10 महीने, 2 साल, 6 साल, 20 साल, 100 साल, तो इस तरीके के में हमेशा फोर लगाओगे, हमेशा फोर, सुबह 5 बजे से या सुबह से या कल शाम से, ठीक है। तो इनमें सभी में सेंस लगाओगे, ठीक है। पूजा सुबह से त्यौहार मना रही थी, एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे अब। पूजा कौन है, सब्जेक्ट है। कुछ पूजा ऐसे भी लिखते हैं, कुछ पूजा पी यू जे भी लिखते हैं, बट इट्स ओके, दैट्स द नेम ओनली। पूजा हैड, अभी मैंने हैड के साथ में क्या लगाना बच्चों, बीन, त्यौहार मनाना, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना ना, मनाना त्यौहार को, ठीक है। अब किसी इंसान रूठे हुए को मनाना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या बना रहे हो तुम लोग, त्योहार को मना रहे हो, तो सेलिब्रेटिंग, क्या हो गया ये सेलिब्रेटिंग, क्योंकि आई एन जी फॉर्म लगानी है मुझे, क्लियर बताया ना, मेन वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगानी है, सेलिब्रेटिंग दी फेस्टिवल। अभी कब से, सुबह से, आई टोल्ड यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है बच्चों। नाउ पूजा हैड बीन सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल सिंस मॉर्निंग, सुबह से, क्लियर। अगर यही होता 2 दिन से तो फॉर 2 डेज, राइट, एफ ओ आर। तुम सभी हमारे लिए कल से काम कर रहे थे, सो यू ऑल, यू, ये बड़ा यू है बच्चों, ऑल, ठीक है, यू ऑल अभी क्या कर रहे थे, काम, यू ऑल हैड been doing the work, किसके लिए, for us, कब से, कल से, since yesterday, ठीक है। you all had been doing this work, कल से काम कर रहे थे ना, this work नहीं आएगा, the work आएगा, क्योंकि काम है, इस काम को होता तो this work आ, ठीक है। the work for us since yesterday, उसके घर में कल से 2 लोग नहीं ठहर रहे हैं, ठहरने को बोलते हैं बेटा स्टे करना, लीव मीन्स होता रहना, एक होता है तुम किस घर में रहते हो, बेसिकली परमानेंटली तुम्हारा घर है तो लीव बोलोगे, अगर तुम किसी के यहाँ पर रेंट पे रह रहे हो, गेस्ट की तरह रह रहे हो, कुछ दिन के लिए रह रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ठहरना, बेसिकली स्टेइंग, राइट। उसके घर में कल से 2 लोग नहीं ठहर रहे थे, तो देखो बच्चों यहाँ पे तुम्हें कन्फ्यूजन होना है, पहले तो मैं कहूँगा कि वीडियो को पॉज कर लो, इसको बना के दिखा दो, ठीक है। ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ कि कैसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे मतलब वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे दिया है सेंटेंस में, कन्फ्यूज होने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन जो समझदार बच्चे होंगे वो अभी वीडियो को पॉज करेंगे और तुरंत बनाएंगे सेंटेंस को, और फिर जो कमेंट में लिख देगा तो उसके लिए तो लव यू, ठीक है। उसके घर से में कल से 2 लोग नहीं ठहर रहे थे, देखो सब्जेक्ट है बच्चों इसमें 2 लोग, कौन, तो 2, अब देखो 2 लोग है ना, तो यहाँ पे ऐसे करके एम ए एन तो नहीं लिखेंगे, 2 men, देखो अगर एक होता है एम ई एन मैन, एक होता है एम ए एन, तो मैंस कुछ नहीं होता है, ध्यान रख लेना, मैंस कुछ नहीं होता, लेकिन 2 men है तो 2 men बेसिकली बोलेंगे और एम ई एन को प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। नाउ 2 men, अब यहाँ पे लिखेंगे हैड Not been, stay की जगह लिखेंगे staying, क्योंकि आई एन जी फॉर्म लगाना है, ठीक है। घर में कहाँ पे, in the home, अब यहाँ पे कल से, since yesterday,
कुछ भी चैलेंज नहीं है, बस इतना था उसके घर की स्पेलिंग पहले नहीं लिख दोगे। अच्छा उसके घर में है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन, देखो अगर लड़का है तो हिज है, लड़की होगी तो वो हर होगा। तो अभी आप लोगों पर डिपेंड है कि आप उसको हिज करके बोल रहे हो या हर करके बोल रहे हो, ठीक है। हिज और हर कुछ भी यू कैन अप्लाई फॉर। टू मैन हैड नॉट बीन स्टेइंग इन हिज होम सिंस यस्टरडे। क्लियर है गाइस? क्या तुम दो दिन से उसकी जिंदगी में दखल दे रहे थे? ओहो, दखल देना बेसिकली, समझते हो, इंटरफेयरिंग, राइट, इंटरफेयर करना, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग माय लाइफ मैन, ठीक है। तो क्या तुम दो दिन से उसकी जिंदगी में दखल दे रहे थे? अब देखो, हैड यू बीन, ठीक है। अब यहां पे आएगा इंटरफेयरिंग इन हिज इन हिज लाइफ। क्या तुम दो दिन से उसकी जिंदगी में दखल दे रहे थे? इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी में, ठीक है। अब कब से? दो दिन से। तो मैंने क्या बताया, जब यूनिट दे रखी हो और वो दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, टाइम, नंबर ऑफ मोमेंट दे रखा हो, जैसे दो दिन है, तीन दिन है, चार दिन है, तो 4-2 days क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्योंकि क्या पहले, हैड यू बीन इंटरफेयरिंग इन हिज लाइफ फॉर 2 days, इंटरफेयर करना बेसिकली, राइट। नाउ मैं सुबह 5 बजे से उसके बिना क्यों रह रहा था? मैं सुबह, देखो क्यों का मतलब होता है वाई, सीधा वाई, वाई के बाद में सीधा बोलोगे हैड, क्यों? देखो मैं नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद ही बोल रहा है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड लगाओ, फिर सब्जेक्ट, वाई हैड आई, उसके बाद बीन लगाओ, ये खुद ही बोल रहा है, बीन लगाओ, उसके बाद वर्ब जो भी है, उसके बिना क्यों रहना, रहना, लिविंग, लिविंग लगा दो, ठीक है। अब उसके बिना, उसके बिना, सो विदाउट, देखो मैं तो हर ही बोलूंगा, ठीक है, लड़का है तो लड़की के लिए बोल रहा है बेसिकली मैं उसके बिना, लेकिन अगर लड़की की, लड़का ही, लड़की की बात कर रहे हो ना, तो विदाउट हिम बोल सकते हो यहाँ पे, राइट। तो दैट इज योर कॉन्सेप्ट, वाई हैड आई बीन लिविंग विदाउट हर और विदाउट हिम। अब ये ऊपर आपके ऊपर है कि ये जो सेंटेंस है, मतलब आप लड़के की बात कर रहे हो, लड़की की बात कर रहे हो तो विदाउट हर लिखोगे, लड़के की बात कर रहे हो तो विदाउट हिम लिखोगे। सुबह 5 बजे से, तो सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैं सुबह से, why had I been living without her since 5 o'clock in the morning, सुबह 5 बजे से उसके बिना क्यों रह रहा था। तो देखो इतना सिंपल है बेसिकली, ये समझना, अगर मेरे को ना ये वाला जो जितना भी मेरे को यहाँ पे स्ट्रक्चर और रूल्स और आइडेंटिटी और ये सब कुछ दिया हुआ है ना, ये मेरा रूल ऑफ थंब है, ठीक है, या थंब ऑफ रूल और रूल ऑफ थंब, बेसिकली वट एवर यू वॉन्ट कॉल इट, यू कैन कॉल दिस, ये आज जिस बच्चे के जैसे भी हो गया, तो दीज सेंटेंसेस विल बी नॉट वेरी क्रिटिकल टू प्रिपेयर। अच्छा एक चीज और है, इंग्लिश में हमें चैलेंजेस कहाँ आते हैं, अगर जैसे ही हम लोग हर चीज का वोकैबुलरी समझ पाते हैं तो उनको रखने का तरीका वो ये सब सिखा देता है, ठीक है उसमें। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज अगर हमको आता है तो वो ये आता है कि बस मैं इसके सही की स्पेलिंग आपने सर इसमें नहीं लगाई, तो मैंने बोला बच्चों मैंने सुबह से बोला ये, और से यहाँ पे आज प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन की स्पेलिंग मैंने क्या लगाई यहाँ पे, ये सिंस, फोर और सिंस क्या है हमारे प्रीपोजिशंस हैं, क्या है प्रीपोजिशंस है, उनकी स्पेलिंग फोर और सिंस की हम टाइम के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। तुम सभी हमारे लिए कल से काम करो, तो कल से, सिंस यस्टरडे, सिंस मैंने वो लगाई है, देखो लास्ट में कल से यहाँ पे लगाया ना, कल से, सिंस यस्टरडे वहाँ पे भी ऐसे ही है, परसों से होता तो सिंस डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में अगर आपको कुछ भी कोई चैलेंज आ रहा है, राइट, इफ यू आर फीलिंग समवेयर, हाँ, और गाइज क्योंकि मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे इस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो अगर कहीं पे भी कुछ एक टाइपो मिस्टेक्स अगर जैसे हो जाती है तो डोंट वरी अबाउट दैट, उसको लिख दिया करो, ठीक है, एंड जस्ट वी कैन ट्राई टू मेक द करेक्ट, कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोग उसको और थोड़ा बेस्ट तरीके से एनालिसिस करें। होप डे बाई डे वी आर चेंजिंग एंड वी आर यू नो ट्राइंग टू इंक्रीज द क्वालिटी एज वेल, सो सूनर विल बी कमिंग इन द न्यू फेस ऑफ। तो अभी जैसे चल रहा है
मेरे को पढ़ने से मतलब है, और हम लोगों को जब पढ़ने से मतलब होता है ना, तो हमारा गोल सिर्फ ये होता है कि हमने अचीव करना है, अचीव करना, अचीव क्या करना है कि मेरे को अच्छा लर्नर बनना है और अच्छा स्पोकन पर्सन बनना है कि मैं हाँ इसको अच्छे से कम्युनिकेट कर सकूँ। कोई ये ना बोले मुझसे, हे यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश प्रोफेशनली, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू कम्युनिकेट, तो एटलीस्ट ये कोई हमें नहीं बोलेगा जब हम अपना पूरा कम्प्लीटली एक कोर्स ऐसा कर लेंगे। और आई एम श्योर गाइज, यहाँ अगर तुमने अच्छे से कर लिया, दैट यू आर गोइंग टू रॉक योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वंडरफुल टाइम, हैव अ ग्रेट डे।